नगर निगम भिलाई चिरौदा के कॉन्फ्रेंस हॉल में मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। आज नगर निगम भिलाई चिरौदा के महापौर परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अभी टेंडर की जो प्रक्रिया हुई उसमें दर स्वीकृति के लिए आया था, जिसमें वार्ड नंबर 7 में जो सीमेंटीकरण रोड किया जाना है उसमें दर की स्वीकृति की गई। साथ साथ जो वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 में बमनिन तालाब और बांधा तालाब का रिनोवेशन का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है उसके लिए भी दर की स्वीकृति की गई। इनके अलावा जो हमारे सोमनी और मोरिद में जो पौनी पसारी बना हुआ है, वो पौनी पसारी वहीं के जो हितग्राही है, जो दुकान लगाते हैं या जो उस नियम के तहत आते हैं, उनको देने में भी सहमति बनी है। इनके साथ साथ जो जरवाया के और दादर के, उमदा के और अकलोडी के जो बरसों से काबिज जो लोग हैं जहां पर रह रहे हैं, जिनकी स्थिति 20 साल 30 साल पुरानी हो चुकी है, नजूल से उनके पट्टा के लिए प्रस्ताव हमारे पास राजस्व विभाग से कलेक्ट्रेट के माध्यम से तहसीलदार के माध्यम से हमारे पास आया था, उसकी भी हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान की है। MIC की बैठक में आज मूल रूप से जो हमारे निर्माण कार्य थे जो MIC के अधिकारिता में आते हैं उनकी स्वीकृति प्राप्त की गई, और उसके अतिरिक्त एक मुद्दे पे जो कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर महसूस किया जाता रहा है, हमारे जो फील्ड के कर्मचारी हैं जिसमें कि सफाई निरीक्षक हैं और हमारे जो सहायक राजस्व निरीक्षक हैं, इनके प्रमोशन का चैनल किन्हीं कारणों से नहीं था, तो इसको लेकर के हमने यहाँ पर राजस्व उप निरीक्षक का पद तथा वरिष्ठ सफाई निरीक्षक का पद, इन दोनों पदों के सृजन के लिए MIC में प्रस्ताव भेजा, और MIC में महापौर जी की भी मंशा थी कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनका हक है पदोन्नति, तो उस दिशा में आज MIC से प्रस्ताव पारित हुआ है जिसे शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।